और इटावा वालों का स्नेह भी मुझे बार बार आपके इटावा में खींच के लाता है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सामने बैठे हुए मेरे देवतुल्य बंधुओं, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि शायद इटावा में मेरा ही जिला पीछे था, इटावा में बहुत पहले पासपोर्ट ऑफिस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से तो उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद भी इटावा में पासपोर्ट ऑफिस रामशंकर कठेरिया जी को खुलवाना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि जनता के प्रति किसकी ज्यादा हमदर्दी है ये दिखाई पड़ता है। मेरे यहाँ तो 19 के पहले खुल गया था, लेकिन आप आगरा में पहले खुलवाए, अब आपने इटावा में खुलवाया है। इसके दो तीन कारण मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं विधायक बनी तो मुझे लगा कि पासपोर्ट मुझे बनवा के रखना चाहिए। मैं कानपुर गई तो कानपुर में पता है आपको, विधायक को भी 6 महीने लग गए थे, 6 महीने के बाद मुझे पासपोर्ट मिल पाया था। और मेरे से जो और अन्य लोग पहुंचते हैं, उनको पासपोर्ट बनवाने में पहले दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये दलालों के चक्कर लगाने के कारण ही बहुत सारे लोग पासपोर्ट नहीं बनवा पाते थे। आपको ऑनलाइन करना है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है, और परेशान तो दलाल ही होंगे, जनता परेशान नहीं होगी निश्चित। आज पूरा विपक्ष परेशान है, वो देश की जनता के लिए परेशान नहीं है, गरीबों के लिए परेशान नहीं है, वो परेशान है उनका पूरा का पूरा कुनवा, पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो गया है, इसलिए परेशान है, आपके लिए परेशान नहीं है। गरीबों की गरीबी कैसे दूर की जाती है, झोपड़ी में बैठ के रोटी खाने से दूर नहीं होती है, गरीब की झोपड़ी खत्म करके उसको पक्का मकान देने से गरीबी दूर होती है। पाकिस्तान की हालत क्यों है, पाकिस्तान को भी हमारे देश से जाता था, आज पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर आ चुका है, एक साथ बंटवारा हुआ था। आज देश के किसी कोने के अंदर यदि आतंकवादी घुसने का प्रयास करता है तो वही पकड़ लिया जाता है। पत्थर पत्थर दहक रहा था कश्मीर की घाटी का, विस्फोटों से दिल घायल था बंबई की चौपाटी का, लेकिन मोदी जी ने कहा उग्रवाद का होके कोई काम नहीं होगा, गद्दारों का इस धरती पर कोई नाम नहीं होगा। जो बना है ना इंडिया गठबंधन, आप देख लीजिए पूरी सूची उठा के, कोई ना कोई जमानत में है या जेल में जाने वाला है, ये जेल में जा चुके हैं, और जितना इंडिया गठबंधन के लोग हैं कोई ना कोई उनका परिवार का व्यक्ति है, और जो हमारा इंडिया गठबंधन उसी से ना कर। अच्छा एक बात मैं सोच रही थी, यूपीए नाम क्यों नहीं रखा, क्योंकि यूपीए का नाम आते ही 2G, 3G, 4G घोटाला सब याद आ जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम बदल दिया। तो बोतल तो बदल, शराब तो वही है ना, बोतल बदलिए तो कोई फर्क नहीं। पहले विश्व बोलता था, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है और विश्व, फर्क बदला है कि नहीं बदला, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए।